बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज में बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं आपके दिमाग को परखने के लिए, और मुझे तो ऐसे सवालों को सुनने में और उनका जवाब देने में बड़ा मजा आता है। तो चलो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 7 केले हैं और उन्हें आपको 8 जनों में बराबर बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको केलों को काटना नहीं है। तो अब आप ये काम कैसे करोगे, यही आपको बताना है। सोचिए आराम से। सोच लिया? तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, उन 7 केलों का शेक बनाना है और फिर उसके बाद आपको 8 जनों में बराबर बांट देना है। आपको केले काटने भी नहीं पड़े और बराबर बट भी गए। गाइज, है ना इंटरेस्टिंग सवाल। गाइज, हम में से अधिकतर लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और उन्हीं के IQ लेवल से सबके IQ लेवल का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद किसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे? चलो मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, क्या आप बताएंगे? तो उसके ऊपर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। गाइज, अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाते। इसीलिए साइंस कम्युनिटी उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जीनियस मानती है। गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भाई साहब, क्या फियरलेस खिलाड़ी है ये, अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में 50 ठोक दी। नाम है ईशान किशन। जहां पर बाकी खिलाड़ी अपने पहले मैच में नर्वस हो जाते हैं, वहीं इसी खिलाड़ी ने इंग्लैंड जैसी नंबर 1 T20 टीम के सामने 5 चौकों और 4 छक्कों के साथ 32 गेंद में 56 रन ठोक डाले। ऐसे फियरलेस खेलते हुए मैंने आज से पहले कभी किसी को नहीं देखा। लगता है टीम इंडिया को विराट कोहली जैसा एटीट्यूड रखने वाला एक और बंदा मिल गया है। आपका ईशान किशन के खेल के बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस रखते हो तो। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिल गेट्स अगर अपना पूरा काम छोड़ के हर दिन 7 करोड़ रुपया खर्च करें, तब भी उनकी वर्थ 220 साल में खत्म होगी। इतना वर्थ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में रखी और कितना फोकस उन्होंने दिखाया है? आई टेल यू। सुनने में तो ये भी आता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो रात में ही जूते पहन के सो जाया करते थे ताकि सुबह उनका वक्त खराब ना हो। अब आप लोग कहेंगे कि जूते पहनने में तो 5 ही मिनट लगते हैं, इस 5 मिनट की कीमत उन्होंने समझी तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंचे। इसलिए गाइज, जो भी चीज आप चाहते हो ना, उस पे कंसिस्टेंसी और फोकस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों ने भी ये किया तो आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक शायद बहुत ही कम लोग पहुंचे। सो फोकस इन यू, स्टे मोटिवेटेड। किसी चीज को लेके नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। गाइस, इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती है। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइज, आपका माइंड भी ऐसे ही है, इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। सो गाइज, स्टे मोटिवेटेड, कीप ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। अपनी लाइफ की तीसरी ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको रेगुलेशन रखने की जरूरत नहीं है, वो है स्पेंडिंग टाइम ऑन योर सेल्फ। गाइज, अपने लिए समय निकालना बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट इससे आपके आसपास के लोगों का भी भला होता है। जरा आप सोचिए कि खाली कब से आप किसी को क्या दे पाओगे। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेशन करिए, माइंड को क्लीन करिए और अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। एक हैप्पी, वाइब्रेंट और गिविंग लाइफ के लिए अपने लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप दूसरे लोगों का ज्यादा भला कर पाओगे। बाकी बचे हुए रीजंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। टिल देन गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। सपने तो शायद हम भी बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई, बचपन उसका खेतों में काम करके निकला। 15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 6 times world amateur boxing champion, 5 times Asian women championship winner,
एशियन गेम्स 2014 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2013 पद्म भूषण विनर, 2003 अर्जुन अवार्ड विनर एंड 2006 पद्मश्री मैरी कॉम। सो गाइज बिलीव इन यू, जिद है जीत पक्की।